नमस्कार, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। साइंस क्लास 10 चैप्टर 7 नियंत्रण एवं समन्वय अभ्यास के प्रश्न उत्तर। इस वीडियो में आपको चैप्टर 7 के अंत में जो अभ्यास दिया गया है उसके सभी 12 प्रश्नों का उत्तर प्राप्त होगा। तो देखें अभ्यास का पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? चार विकल्प दिया गया है, इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन, साइटोकाइनिन। इसका सही उत्तर है डी, साइटोकाइनिन क्या है, पादप हार्मोन है। अगला है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। इसका भी चार उत्तर है, द्रुमिका, सिनेप्स, एक्सान, आवेग। तो इसका सही उत्तर है बी, सिनेप्स। अब अगला प्रश्न है आपके सामने, मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, बी हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, उपरोक्त सभी। तो इसमें ये तीनों सही है, अर्थात डी उत्तर सही है, उपरोक्त सभी। अब देखें चौथा प्रश्न, चौथा प्रश्न, हमारे शरीर में ग्राही का क्या कार्य है? ऐसी स्थिति पर विचार कीजिए जहां ग्राही उचित प्रकार से कार्य नहीं कर रहे हों, क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं? तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर, ग्राही हमारी ज्ञानेंद्रियों, आँख, कान, नाक, जिह्वा तथा त्वचा में स्थित एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। ग्राही क्या होती है? हमारी ज्ञानेंद्रियों, आँख, कान, नाक, जिह्वा तथा त्वचा में स्थित एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जो वातावरण से सूचनाएं ग्रहण कर उसे विश्लेषण तथा अनुक्रिया के लिए मस्तिष्क को भेजती हैं। जो वातावरण से सूचनाएं या संदेश को ग्रहण करती हैं उसे विश्लेषण तथा अनुक्रिया के लिए, यानी जो संदेश या सूचनाएं मस्तिष्क को भेजा जाता है उसके प्रतिक्रिया क्या होगी के लिए मस्तिष्क को भेजती हैं। मस्तिष्क में तुरंत निर्णय लिया जाता है, मस्तिष्क में क्या होता है, तुरंत निर्णय लिया जाता है और निर्देश के अनुसार पेशी अंग अनुक्रिया करते हैं। निर्देश के अनुसार पेशी अंग जो होते हैं अनुक्रिया करते हैं। जैसे हमारा हाथ है और आग पर जल रहा है तो तुरंत क्या होगा, ये ग्राही तुरंत उसको कहाँ भेजेगी, मस्तिष्क में, वहाँ निर्णय लिया जाएगा और वहाँ से अनुक्रिया के लिए संदेश भेजा जाएगा कि हाँ तुरंत वहाँ से आप हटाइए। इस प्रकार वातावरण से हमारा संतुलन बना रहता है, इस प्रकार वातावरण से हमारा क्या है, संतुलन बना रहता है और जीवन सुचारू रूप से चलता है। यदि ग्राही उचित प्रकार से कार्य न करे तो मस्तिष्क को सूचनाएँ प्राप्त नहीं होंगी। यदि ग्राही उचित प्रकार से कार्य न करे तो मस्तिष्क को सूचनाएं प्राप्त नहीं होगी, अर्थात किसी क्रिया की प्रतिक्रिया नहीं होगी। जैसे यदि आँख की ग्राही कार्य नहीं करती है तो हमें दिखाई नहीं देगा और शरीर को हानि हो सकती, जैसे आँख की ग्राही कार्य नहीं कर रही तो हमें दिखाई नहीं देगा और उससे शरीर की हानि हो सकती है कि आगे कुआं की क्या है, हम उसमें गिर सकते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न, सारी यहाँ जाता दो बार लिखा है तो एक काट दीजिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, पांचवा प्रश्न, एक तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन की संरचना बनाइए तथा इसके कार्यों का वर्णन कीजिए। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर, तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, सूचनाओं, आवेगों, संदेशों का संवहन करने वाली मूल क्रियात्मक इकाई। तंत्रिका कोशिका जो है सूचनाओं या संदेश या उद्दीपन का संवहन करने वाली मूल क्रियात्मक इकाई है। न्यूरॉन के तीन भाग होते हैं, द्रुमिका, कोशिका काय तथा एक्सान, द्रुमिका, कोशिका काय तथा एक्सान। तो इसका आप चित्र संरचना देख सकते हैं किस प्रकार की इसकी संरचना होती है, ये आपके सामने है। और यहाँ पर देखिए ये इसकी न्यूरॉन की संरचना है, इसी प्रकार ये
असंख्य संख्या जो रहती है न्यूरॉन की हमारे शरीर में, जंतुओं के शरीर में होती हैं, और इसको देखिए केंद्रक कहते हैं। ये द्रुमिका होती है, ये सब क्या है, द्रुमिकाएं हैं। और ये क्या है, ये वाला हिस्सा क्या है, कोशिका का है। और ये जो है क्या है, तंत्रिकाक्ष है। और ये क्या है, तंत्रिका का अंतिम सिरा, ये क्या है, तंत्रिका का अंतिम सिरा है। तो ये है न्यूरॉन की संरचना जो आपके सामने है। अब देखिए तंत्रिका कोशिका के कार्य, यानी न्यूरॉन के कार्य क्या होते हैं। तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन शरीर के विभिन्न भागों से सूचनाओं को मस्तिष्क की ओर ले जाती है। ये जो न्यूरॉन होती है शरीर के विभिन्न भागों से सूचनाओं को मस्तिष्क की ओर ले जाती है, और मस्तिष्क में सूचनाओं आवेगों का विश्लेषण होने पर, जब सूचनाएं या मस्तिष्क जो निर्णय लेता है होने पर, तंत्रिका कोशिका पुनः इन सूचनाओं को पेशियों तक पहुंचाती है, जिससे उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया कर सके। यानी यह सूचनाओं को मस्तिष्क से पहुंचाती है, फिर मस्तिष्क में जो निर्णय लिया जाता है तुरंत उसको यह पुनः पेशियों तक पहुंचाती है। जैसे कोई घटना घट रही है आपके साथ, तो तुरंत क्या होता है, वो सूचना न्यूरॉन के द्वारा मस्तिष्क को पहुंचती है, वहाँ से निर्णय लिया जाता है कि यह घटना आपके साथ घटने वाली, आप अपने को बचाइए। तो अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, छठवां प्रश्न, पादप में प्रकाशानुवर्तन किस प्रकार होता है। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर, पर्यावरणीय उद्दीपन प्रकाश के कारण पादप के जड़ प्रकाश के विपरीत मुड़कर अनुक्रिया करते हैं, जबकि तना प्रकाश की दिशा में वृद्धि करते रहते हैं, इसे ही प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। पर्यावरणीय उद्दीपन यानी कारण, यानी पर्यावरणीय कारक जो है प्रकाश के कारण पादप के जड़ प्रकाश के विपरीत मुड़कर अनुक्रिया करते हैं, जबकि तना प्रकाश की दिशा में वृद्धि करते रहते हैं, इसे ही प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। अतः प्रकाश उद्दीपन के फलस्वरूप तने, जिसे प्ररोह भी कहते हैं, प्रकाश की ओर मुड़कर वृद्धि करते हैं, जबकि जड़ प्रकाश के विपरीत मुड़कर अनुक्रिया करते हैं। अब इस बात को समझिए, मान लीजिए कोई गमला है जिसमें पौधा है, कोई गमला है और ऐसे रखा गया है, इसमें कोई पौधा है, और तो होता क्या है, पौधा इधर वृद्धि करता है, ऐसे बेड़े पड़ा हुआ तो पौधा इधर वृद्धि करेगा, और इसका जड़ जो रहेगा किधर, नीचे की तरफ, यानी यह प्रकाश ऊपर से प्रकाश है, प्रकाश की तरफ मुड़ जाता है, और पौधा ठीक उसके विपरीत अनुक्रिया करता है, यानी ये ठीक उसके विपरीत कार्य करता है, इसी का अनुक्रिया करते, ठीक इसके विपरीत कार्य करेगा, ये इधर कार्य कर रहा है तो ये इधर कार्य करेगा, तो ये है प्रकाशानुवर्तन। अब देखते हैं अगला और सातवां प्रश्न, मेरुरज्जु आघात में किन संकेतों के आने में व्यवधान होगा। यानी मेरुरज्जु आघात हो गया, यानी घायल हो गया है, कोई गड़बड़ी हो गई है, में किन संकेतों के आने से व्यवधान होगा। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर, मेरुरज्जु के आघात होने पर सभी प्रकार के संकेत, संदेश, उद्दीपन जो मस्तिष्क की ओर आते हैं अथवा मस्तिष्क से दूर जाते हैं के आवागमन में व्यवधान उत्पन्न होता है। यानी मेरुरज्जु के आघात होने पर सभी प्रकार के संदेश जो मस्तिष्क की ओर आते हैं अथवा मस्तिष्क से दूर जाते हैं के आवागमन में व्यवधान उत्पन्न होता है, तथा कोई अनुक्रिया संपन्न नहीं होती है, अब देखिए अगला प्रश्न, आठवां प्रश्न, पादप में रासायनिक समन्वय किस प्रकार होता है। देखिए इस प्रश्न का उत्तर, पादप कोशिकाएं विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थ स्रावित करती हैं। पादप कोशिकाएं जो होती हैं विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थ स्रावित करती हैं, जो पादप हार्मोन कहलाते हैं, जिन्हें हम पादप हार्मोन कहते हैं। यही पादप हार्मोन वृद्धि विकास तथा कोशिका विभाजन को नियंत्रित करते हैं। यही पादप हार्मोन जो होते हैं वृद्धि करते हैं, विकास करते हैं तथा कोशिका का विभाजन करते हैं, इसी को नियंत्रित करते, तथा वातावरण से समन्वय स्थापित करते हैं। वातावरण से जो कुछ
पादपों का, पौधों का समन्वय उसको स्थापित करते हैं, अर्थात ये पादप हार्मोन ही पादप में रासायनिक समन्वय स्थापित करते हैं। ये पादप हार्मोन ही पादप में रासायनिक समन्वय स्थापित करते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न, नवा प्रश्न, एक जीव में नियंत्रण एवं समन्वय के तंत्र की क्या आवश्यकता है? तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर, एक जीव में नियंत्रण एवं समन्वय के तंत्र की आवश्यकता निम्नलिखित कार्यों के लिए होती है। तो देखिए पहला, यह जीव के सभी अनुक्रियाओं को नियंत्रित तथा वातावरण से समन्वय स्थापित करता है। जो तंत्र होता है, जीव के सभी अनुक्रियाएं, जितनी क्रियाएं होती हैं, को नियंत्रित तथा वातावरण से समन्वय स्थापित करती है, जिससे उसका जीवन सुचारू रूप से चल सके। यह ऐच्छिक तथा अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रण एवं समन्वय करता है, यानी वह ऐच्छिक जो इच्छा के अनुसार गतिविधियाँ होती, अनैच्छिक जैसे हृदय का धड़कन, सांस लेना, ये अनैच्छिक गतिविधियाँ का नियंत्रण एवं समन्वय करता है। यह जीव को उसके वातावरण में जीवन को संचालित करने के लिए क्षमता प्रदान करता है। यह जीव को, यानी जो तंत्र है, उसके वातावरण में जीवन को संचालित करने के लिए क्षमता प्रदान करता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, दसवां प्रश्न, अनैच्छिक क्रियाएं तथा प्रतिवर्ती क्रियाएं एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न हैं? तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर, अनैच्छिक क्रियाएं, प्रतिवर्ती क्रियाएं, वे क्रियाएं जो हमारी इच्छा अनुसार नहीं होती हैं अनैच्छिक क्रियाएं कहलाती हैं, और प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती, किसी बाह्य उद्दीपन के कारण होने वाली प्रतिक्रियाएं प्रतिवर्ती क्रियाएं कहलाती हैं। किसी बाह्य उद्दीपन के कारण, यानी जैसे आग जला है, उसमें आग है, उससे हाथ जल रहा है, तो वो हाथ हटाना ही क्या होगा, प्रतिवर्ती क्रिया होगी। अब उदाहरण देखिए, हृदय का धड़कना अनैच्छिक क्रिया, सांस लेना, मल मूत्र का उत्सर्जन त्यागना, ये क्या है, सब अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं। छींकना, मुंह में लार आ जाना, जैसे मिठाई देखकर मुंह में लार आ जाता है, तो ये क्या है, प्रतिवर्ती, यानी मिठाई देखा और उसके प्रतिक्रिया स्वरूप हमारे मुंह में लार आ गई। पलके झपकना, ये क्या है, सब प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं। अगला देखिए भिन्नता, अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण मस्तिष्क द्वारा होता है। अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कहाँ से होता है, मस्तिष्क द्वारा होता है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण मेरु रज्जु द्वारा होता है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कहाँ से होता है, मेरु रज्जु द्वारा होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, एक ग्रहवां प्रश्न, जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय के लिए तंत्रिका तथा हार्मोन क्रियाविधि की तुलना तथा व्यतिरेक कॉन्ट्रास्ट कीजिए। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर, तंत्रिका क्रियाविधि, हार्मोन क्रियाविधि। तंत्रिका क्रियाविधि में मस्तिष्क को ग्राही द्वारा वातावरण से सूचनाएं प्राप्त होती है और मस्तिष्क इन सूचनाओं का विश्लेषण करके तुरंत पेशी तंत्रों को अनुक्रिया करने का निर्देश देता है। तंत्रिका क्रियाविधि में क्या होता है, मस्तिष्क को ग्राही द्वारा जो सूचनाएं प्रेषित की जाती हैं, दी जाती हैं, मस्तिष्क क्या करता है, इन सूचनाओं का विश्लेषण करता है और तुरंत पेशी तंत्र जो है उनको अनुक्रिया करने के लिए निर्देश देता है। जैसे मान लीजिए आपके सामने खतरनाक कुत्ता आ गया, तो तुरंत ग्राही क्या करेगा, इसकी सूचना मस्तिष्क को देगा और मस्तिष्क पैर को सूचना देगा कि आप वहाँ से भागिए। हार्मोन जंतुओं में इनकी कार्य करने की गति को बनाए रखने के साथ साथ वृद्धि, जनन, उपापचय इत्यादि का नियंत्रण एवं समन्वय करता है। हार्मोन जंतुओं में इनकी कार्य करने की गति को बनाए रखने के साथ साथ वृद्धि, जनन, उपापचय, यानी भोजन का जो उपापचय इत्यादि का नियंत्रण एवं समन्वय करता है। अब देखिए अगला अंतर, तंत्रिका सोचने, समझने तथा निर्णय लेने का एक तंत्र है। तंत्रिका जो है सोचने, समझने तथा निर्णय लेने का एक तंत्र है जो वातावरण से नियंत्रण समन्वय स्थापित करता है। अब देखिए हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होती है। हार्मोन क्या होता है, अंतः
स्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होती है, जो रक्त के माध्यम से विशेष कोशिका तथा तंत्र प्राप्त कर लेता है। यानी ये होता क्या है, अंतरस्रावी ग्रंथियों द्वारा ये स्रावित होता है और जिस कोशिका की इसकी जरूरत है, जिस तंत्र को इसकी जरूरत होती है, वो उसको प्राप्त कर लेगा। यानी प्रत्येक हार्मोन का अलग अलग कार्य होता है। अब देखिए अगला, तीसरा, तंत्रिका तंत्र एक द्रुतगामी सेवा की तरह शारीरिक क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय स्थापित करता है। ये बहुत तेज होता है। हार्मोन शरीर में बाहरी वातावरण के प्रति अनुकूलन क्षमता प्रदान करता है, जिससे जैविक क्रियाएं प्रभावित न हो सके। अब चलते हैं अंतिम प्रश्न पर, 12वां प्रश्न जो कि अंतिम है। छुई मुई पादप में गति तथा हमारी टांग में होने वाली गति के तरीके में क्या अंतर है? तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर, छुई मुई में गति, हमारी टांग में गति। छुई मुई पादप में गति स्पर्श उद्दीपन के प्रतिक्रिया स्वरूप होती है। छुई हुई पादप में गति स्पर्श उद्दीपन, यानी हम स्पर्श करते हैं उसके प्रतिक्रिया स्वरूप होती है, जबकि हमारी टांगों में गति पेशी तंत्रिकाओं से नियंत्रित होती है, जो मस्तिष्क से भेजा जाता है। हमारी टांगों में जो गति होती है पेशी तंत्रिकाओं से नियंत्रित होती है, और कहाँ से भेजा जाता है, ये सूचना मस्तिष्क से भेजी जाती है। अगला, जब पत्ती को स्पर्श किया जाता है तो यह उद्दीपन आधार तक पहुंच जाता है और पत्तियां नीचे झुक जाती हैं। ए, जल की मात्रा में परिवर्तन कर अपनी आकृति बदल लेती हैं। बारहवां प्रश्न, छुई मुई पादप में गति तथा हमारी टांग में होने वाली गति के तरीके में क्या अंतर है? तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर, छुई मुई में गति, हमारी टांग में गति। छुई मुई पादप में गति स्पर्श उद्दीपन के प्रति क्रिया स्वरूप होती है। छुई मुई पादप में गति हम स्पर्श करते हैं उसके प्रतिक्रिया स्वरूप होती है, जबकि हमारी टांगों में गति पेशी तंत्रिकाओं से नियंत्रित होती है, जो मस्तिष्क से भेजा जाता है। जब पत्ती को स्पर्श किया जाता है तो यह उद्दीपन आधार तक पहुँच जाता है और पत्तियाँ नीचे झुक जाती हैं। ए, जल की मात्रा में परिवर्तन कर अपनी आकृति बदल लेती हैं। जल की जो मात्रा उनमें होती है उस में परिवर्तन कर अपनी आकृति बदल लेती हैं। टांगों में गति पेशियों के सिकुड़ने तथा फैलने से होती है। नमस्कार।